हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को समझ लिया था, नाउ अब हम चलते हैं दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पे अल्कोहल की, देखते हैं एक एक करके। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को समझते हैं बच्चों एक एक करके। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में बच्चों आपके कौन कौन से रिएजेंट आपके काम आएंगे, ठीक है, देखते हैं बच्चों। यहां पर रिएजेंट देख लेते हैं बच्चों एक बार। रिएजेंट कौन कौन से होंगे बच्चों? Al2O3 होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर आपका H+ हीट के साथ भी हो सकता है, या फिर आपका KHSO4 भी हो सकता है, या फिर आपका H3PO3 भी हो सकता है, या फिर आपका POCl3 पिरिडीन भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पर P2O5 भी हो सकता है, या फिर आपका KHSO4 भी हो सकता है। अगर ये सब रिएजेंट अगर आपको अल्कोहल के साथ अगर आपको मिले तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर आपका कौन सा रिएक्शन होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो एक एक करके ध्यान से समझते हैं। देखो यहाँ पर जैसे मैं एक आपको यहाँ पर लिखवाता हूँ थियरी, समझना बच्चों। यहां पर आपके मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों साथ साथ आपके प्रोसीड होती है। तो एक तरफ आपका क्या बनता है बच्चों? ईथर। एक तरफ आपका क्या बनेगा बच्चों? ईथर। और दूसरी तरफ आपका क्या बनेगा? एल्कीन, ठीक है। एल्कीन इज फॉर्म बाय व्हाट? एल्कीन इज फॉर्म बाय व्हाट बच्चों? एल्कीन इज फॉर्म बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। एल्कीन आपका किससे फॉर्म हुआ होगा बच्चों? एलिमिनेशन रिएक्शन से। किससे? एलिमिनेशन रिएक्शन। वो भी कौन सा एलिमिनेशन हुआ होगा बच्चों? बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन। और यहां पर आपका क्या हुआ होगा बच्चों? यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ होगा। अब इसको ध्यान से समझेंगे। ये आपका क्या होता है बच्चों? ये आपका लो टेम्परेचर एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4, या फिर H3PO4 भी लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर क्या होगा? हाई टेम्परेचर एंड लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये आपका इस तरीके से हुआ होगा। ध्यान से समझेंगे, ये वाला फिनोमिना है वो आपका क्या है? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन फिनोमिना है, ठीक है, हमको इसको समझना है। देखो यहां पर ईथर का फॉर्मेशन हुआ है, यहां पर ईथर का फॉर्मेशन हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर में। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर में हम इसको समझेंगे, ठीक है। अभी हम इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। इसके बारे में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में पहले भी बता चुका हूं बच्चों। तो यहां पर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। अभी हम फर्स्ट को समझते हैं बच्चों अच्छे से। तो फर्स्ट में आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और ध्यान से समझ, आप जैसा कि जानते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन आपके 3 डिग्री ROH में ज्यादा होता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री ROH में, फिर उसके बाद किस में होता है बच्चों? 1 डिग्री ROH में। एलिमिनेशन आपका सबसे ज्यादा किस में होता है? 3 डिग्री ROH में, उसके बाद आपका 2 डिग्री ROH में, उसके बाद आपका किस में होता है? 1 डिग्री ROH में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रोग्रेस करना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म को समझते हैं एक एक करके। तो देखते हैं बच्चों इसका मैकेनिज्म हम एक एक करके देखेंगे बच्चों। तो देखते हैं, अगर बेटा यहां पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको मैकेनिज्म बताता हूँ बच्चों। देखो यहां पर मेरा CH3, ये मेरे पास CH, ये मेरे पास CHOH, ये मेरे पास CH3, ठीक है, यहां पर आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर इसका मुझे H+ के प्रेजेंस में मुझे हीट करना है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा, नाउ क्या बनेगा बच्चों? देखो CH3 CH3 H, यहां पर CH, यहां पर OH2+, ठीक है, यहां पर CH3। नाउ ये अब आपका एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, तो आपका क्या क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर अगर आपका कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? CH3 CH CH, कार्बोकेटायन CH3। नाउ अब आप क्या बोल सकते हो, क्या ये आपका स्टेबल कार्बोकेटायन
कैटायन है, तो यहाँ पर ये आपका 2 डिग्री कार्बो कैटायन है। अब 2 डिग्री कार्बो कैटायन आपका स्टेबल होता है, लेकिन क्या मैं इससे ज्यादा स्टेबल कार्बो कैटायन बना सकता हूँ? अगर मैं इससे ज्यादा स्टेबल कार्बो कैटायन बना सकता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, रीअरेंजमेंट होगा। मतलब जहां पर कार्बो कैटायन बनेगा वहां क्या होगा बच्चों, आपका रीअरेंजमेंट होगा। अब ये आपका यहाँ जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं ऊपर ऊपर लिखते हुए आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से होगा। अब देखो वहां पर आपका रीअरेंजमेंट होगा, तो यहाँ पर आपका CH3 CH3, ठीक है। यहाँ कार्बो कैटायन बनेगा, यहाँ पर CH2 CH3। नाउ अब यहाँ से आपका क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन के थ्रू एच प्लस आपका बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर एल्कीन का प्रिपरेशन कर लेते हैं बच्चों, एल्कोहल के थ्रू, ठीक है। देखो इसका एक और एग्जाम्पल हम समझते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर वन। नाउ अब हम एग्जाम्पल नंबर टू को समझते हैं ध्यान से। देखो ध्यान से थोड़ा सा हम ऊपर रीअरेंजमेंट को लेते हैं यहाँ पर अच्छे से। ये मेरे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैंने एच प्लस और टेम्परेचर के साथ करा दिया, तो एच प्लस आपका क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आपका OH2+ बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, लिविंग ग्रुप, एज अ लिविंग ग्रुप ये आपका बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका कार्बो कैटायन बनेगा और यहाँ पर ये बनेगा। नाउ अब देखो रिंग के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे अगर आपका कार्बो कैटायन है तो यहाँ पर आपका कौन सा फिनोमिना होगा बच्चों, रिंग एक्सपांशन। यहाँ पर आपका क्या होगा, रिंग एक्सपांशन होगा। तो यहाँ पर ये वाला यहाँ खुलेगा, तो यहाँ पर ये प्लस, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अब हम नंबरिंग कर लेते हैं, इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3, इसको बोलेंगे 4, इसको बोलेंगे 5। तो ध्यान रखना जब भी आप रिंग एक्सपांशन करो तो बच्चों आप नंबरिंग करना मत छोड़ना, नंबरिंग करोगे तो आपका एग्जैक्ट करेक्ट आ जाएगा। 1 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 2 3 4। 1 के साथ आपका मिथाइल ग्रुप, 5 के 4 के साथ आपका मिथाइल ग्रुप, और 2 पर आपका कार्बो कैटायन बन जाएगा। नाउ यहाँ पर कार्बो कैटायन आपका 2 डिग्री कार्बो कैटायन है, क्या ये अभी और स्टेबल हो सकता है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रेट शिफ्टिंग के थ्रू ही आपका और स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रेट शिफ्टिंग होगी बच्चों, हाइड्रेट शिफ्टिंग के थ्रू अगर ये आपका और स्टेबल होगा तो क्या बनेगा बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपका कार्बो कैटायन इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, कार्बो कैटायन। नाउ इस कार्बो कैटायन से अब मैं बीटा एलिमिनेशन के थ्रू हाइड्रोजन को एलिमिनेट करूंगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या होगा बच्चों, ये होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको अभी यहाँ सिंपल जो आपका डिहाइड्रेशन मैकेनिज्म है उसको मैंने बताया। ये आपका H2SO4 के प्रेजेंस में भी हो सकता है, POCl3 के प्रेजेंस में भी हो सकता है, P2O5 के प्रेजेंट में, जितने भी मैंने रिएजेंट लिखे उन्हीं के प्रेजेंट में होगा। लेकिन इसका एक और आपका वेरिएशन है, मैं आपको बताता हूँ बच्चों, वेरिएशन समझेंगे इसका। डिहाइड्रेशन ऑफ विसिनल अल्कोहल या फिर विसिनल डायोल, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका एक और नाम है रिएक्शन का, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखो यहाँ पर आपका रीअरेंजमेंट क्यों हुआ बच्चों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपका होगा कैसे, देखो ये आपका केवल और केवल विसिनल डाइओल के साथ होगा, तो इसका हम एक बार मैकेनिज्म समझते हैं, फिर हम इसके एग्जांपल लेंगे। देखो ये आपका आर, यहाँ पर मैं एग्जांपल आपके एग्जांपल के थ्रू ही मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ बच्चों, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। CH3 CH3 PH, ये आपका कौन सा एल्कोहल है बच्चों, विसिनल एल्कोहल है, विसिनल डाइओल है। अब इसकी रिएक्शन में अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराऊंगा तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले H प्लस आपका अटैक करेगा। नाउ आपका H प्लस अटैक किया, ठीक है। H प्लस आपका यहाँ क्यों अटैक करेगा, देखो ये वाला निकालेंगे तो यहाँ पर कार्बो कैटायन फिनाइल रिंग के साथ, कौन से रिंग के साथ, फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। अब कार्बो कैटायन यहाँ पर फिनाइल रिंग के साथ अगर कॉन्जुगेशन में आ जाएगा तो ये आपका कार्बो कैटायन यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा। तो ध्यान से समझेंगे,
कि यहां पर क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहां पर आपका CH3, यहां पर OH, यहां पर COH2+, यहां पर CH3 और यहां पर PH। अब ये एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब देखो एज ए लिविंग ग्रुप अगर आपका बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, कार्बोकेटायन। ठीक है, यहां पर क्या बनने वाला है बच्चों आपका, कार्बोकेटायन। देखो अब यहां पर कार्बोकेटायन बन गया। अब इसके बाद हम इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ध्यान से समझेंगे। जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों वो रीअरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसका रीअरेंजमेंट, मतलब रीअरेंजमेंट आपका किसके थ्रू होगा, माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड के थ्रू। तो यहां पर नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा बच्चों इसका, और रीअरेंजमेंट आपके किसके थ्रू होगा, माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड, जो कि मैंने आपको लिखा रखा है बच्चों, ग्रुप एम्पलीट्यूड, माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड के ऑर्डर पे आपका रीअरेंजमेंट होगा। तो यहां पर आपका मिथाइल शिफ्ट कर जाएगा। अब देखो मिथाइल अगर यहां पर शिफ्ट कर जाएगा तो यहां पर क्या होगा, देखो जैसे ही आपका मिथाइल शिफ्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, तो यहां पर आपका क्या बन गया बच्चों, कीटोन, और यहां पर CH3, यहां पर PH, यहां पर CH3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पिनाकोल, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, पिनाकोलोन। तो ये आपका इस तरीके से आपका रिएक्शन होता है। ठीक है, इसका एक और बार हम मैकेनिज्म को समझते हैं बच्चों, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम इसके वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में बच्चों इसके और डिहाइड्रेशन के काफी एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर टू मैंने लिखा CH3CHOH CH PHOH। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है। अब हम समझते हैं कि अब हमें सबसे पहले समझना है कि कार्बोकेटायन आपका कहाँ बनेगा, कार्बोकेटायन आपका कहाँ स्टेबल होगा, इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे कार्बोकेटायन आपका इसलिए स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर फिनाइल रिंग के साथ यहाँ पर क्या है बच्चों, कॉन्जुगेशन विद फिनाइल रिंग, सो कार्बोकेटायन इज स्टेबल एट दैट पॉइंट। स्टेबल एट दैट पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे आपका कार्बोकेटायन आपका ज्यादा स्टेबल होगा, इस तरीके से होगा। तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, CH3CHOH, ठीक है, CHOH2+, यहाँ पर PH। अब ये एज ए लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकलेगा। अब यहां पर ये एज ए लिविंग ग्रुप अगर आपका बाहर निकलेगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CHOH कार्बोकेटायन PH। अब इसके बाद आपका क्या होगा बच्चों, रीअरेंजमेंट। इसके बाद आपका क्या होगा बच्चों, रीअरेंजमेंट। अब देखो रीअरेंजमेंट का लिए माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड मैं आपको लिखा लाता हूँ। माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड किसका होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद पीएच, पीएच के बाद सीएच, डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 3 डिग्री R, उसके बाद 2 डिग्री R, उसके बाद आपका 1 डिग्री R, और लास्ट में आपका क्या होगा बच्चों, CH3 ग्रुप। ये आपका माइग्रेटरी ग्रुप एम्पलीट्यूड का ऑर्डर होता है। देखो यहाँ पर हाइड्रेट सबसे पहले, अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहां पर किसकी शिफ्टिंग होगी बच्चों, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। जैसे ही यहां पर हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई तो यहां पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका यहां खुलेगा, तो यहां पर सी डबल बॉन्ड हो, यहां पर CH2 PH, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, पिनाकोलोन, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, पिनाकोल। ठीक है, पिनाकोल। तो देखो पिनाकोल से हमने पिनाकोलोन को ऑब्टेन कर लिया। तो ये आपका कंप्लीट मैकेनिज्म था कि किस तरीके से हम इसमें पिनाकोल और पिनाकोलोन रिएक्शन लगाते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इसका एक और आपका वेरिएशन है, यहां पर आपका इसका एक और वेरिएशन है, उसको अब हम समझते हैं। देखो ध्यान से, वो आपको आ चुका है इसलिए अब हम उस वेरिएशन को भी लेंगे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने लिया, यहां पर देखो
एग्जाम्पल नंबर थ्री में मैं यहां पर लेता हूं इस तरीके से कंपाउंड, ये मैंने NO2 लिया और ये मैंने OH लिया, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन मैंने NaNO2 और HCl के साथ कराई, फिर इसमें मैंने H+ और हीट किया, ठीक है। अब हम समझते हैं कि भाई बच्चों इस रिएक्शन में आपका होगा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इस रिएक्शन को अब हम ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिविंग ग्रुप बनाते थे और लिविंग ग्रुप को स्टेबल करते थे, ठीक है। लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल के हम कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करते थे, तो थोड़ा सा वही कंसेप्ट आपका वापिस से आएगा जो मैंने बेंजीन डाई एजोनियम सोल्ट बनाने में काम में लिया था। देखो यहाँ पर जो आपका ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पर जैसे ही आपका NO2 कंपाउंड आपका किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका एल्कोहल का रिडक्शन नहीं करता, जैसा कि मैंने आपको बताया था। NO2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 में, ये मैंने आपको बता चुका हूँ बच्चों। नाउ अब जैसे ही NaNO2 के साथ और HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका अमाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइन आपका डाई एजो सोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, डाई एजो सोल्ट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, N2+, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, OH। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि N2+ इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है N2+, तो यहाँ पर ये क्या होगा, तुरंत ये आपका बाहर निकलेगा और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, कार्बोकेटायन, यहाँ पर आपका कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब क्या होगा बच्चों नेक्स्ट स्टेप में अब आपका क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट क्या बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, यहाँ पर किसकी शिफ्टिंग होगी बच्चों, हाइड्राइड शिफ्टिंग आपकी होगी। अब यहाँ पर अगर आपके हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पर देखो ये वाला बॉन्ड आपका कहाँ खुलेगा, यहाँ खुलेगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, ये आपका इस तरीके से कीटोन कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला वेरिएशन आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट अगर आप लोगों ने ध्यान रखा तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट भी आप लोग इजीली कर सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में इसके कुछ क्वेश्चंस को अब हम डील करेंगे बच्चों, ताकि आपके और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। आई होप सो कि समझ में आया होगा। तो बच्चों हम वीडियो के इस सेगमेंट में डिहाइड्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने आपका क्या बना दिया बच्चों, बेंजीनिंग नहीं, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन। अब ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन है बच्चों, इसकी रिएक्शन मुझे H2SO4 के साथ कराना है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंथी होगा लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई करेंगे तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन समझते हैं बच्चों इसका, हम सॉल्यूशन किस तरीके से हम इसको डील करेंगे। देखो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, OH2+ आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से OH2+ लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, यहाँ पर आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर आपका इस तरीके से होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब कार्बोकेटायन देखो, रिंग के जस्ट बगल में आपका कार्बोकेटायन है तो ये वाला रिंग क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सपांड होगा। देखो ये वाला रिंग अगर आपका एक्सपांड होगा तो ये आपका यहाँ जाएगा तो यहाँ पर ये आपका माइनस होगा तो ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। तो अब हम देख लेते हैं, ये वाले रिंग में आपका कोई इफेक्ट नहीं है तो ये वाला रिंग को ऐसे ही बना दो, ठीक है। आप इस रिंग पे नंबरिंग कर दो, ये 1 और ये 2 पॉइंट लिख दो, इसको 1 और 2 लिख दिया, इसको 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, देखो ये 6, ये 5, ये 4 और ये 3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 पर आपका क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। 2 पर आपका क्या बनेगा बच्चों, कार्बोकेटायन। तो मैं इसको सही से बना देता हूँ, ठीक है। 2 पर आपका कार्बोकेटायन बनेगा, देखो ध्यान से इसको मैं सही से बना देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर 2 पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब 2 पर आपका कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ से मैं अगर H+ को रिमूव करूंगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन का आपका प्रोडक्ट इस तरीके से, ये आपका किसके ऊपर रिएक्शन बेसिस है, डिहाइड्रेशन ऑफ
अल्कोहल के ऊपर, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा उसको समझते हैं अच्छे से। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू आपका क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो ये आपका, यहां पर मैं इस तरीके से बना देता हूं, ये आपका क्या है, यहां पर आपका बेंजीन रिंग नहीं, यहां पर आपका ये इस तरीके से और यहां पर आपका साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। यहां पर आपका इस तरीके से जुड़ा है और यहां पर आपका OH। इसकी रिएक्शन आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपको इसका प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएगा, काफी सिंपल है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। तो देख लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में बच्चों, यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा H प्लस आएगा ना, वो इसके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे मैं पहले ही अटैक करवा रहा था बच्चों, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर OH2+ मैंने कर दिया और यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। नाउ अब ये यहाँ से कार्बोकैटायन निकलेगा। अब जब यहाँ से कार्बोकैटायन निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, यहाँ से आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका नहीं आ सकता, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा तो रिंग आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपका आ सकता है। यहां से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ सकता है। एक प्रोडक्ट आपका क्या बन सकता है बच्चों, एक प्रोडक्ट आपका ऐसा बन सकता है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी कंसेप्ट है। एक प्रोडक्ट आपका यहाँ से ऐसा बनेगा, लेकिन अगर मैं ये वाला रेजोनेंस करा दूं इसको इधर और इसको इधर रेजोनेंस करा दूं, तो आपका कार्बोकैटायन कहाँ आ जाएगा बच्चों, आफ्टर रेजोनेंस आपका कार्बोकैटायन कहाँ आ जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पर कार्बोकैटायन और ये इस तरीके से आपका बन जाएगा बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या होगा कि यहां से हम क्या कर सकते, इथाइल शिफ्ट करा दे बच्चों इस पॉइंट पे और कार्बोकैटायन को यहाँ बना दे। देखो जैसे ही मैंने यहां से इथाइल शिफ्ट यहां करा दिया, देखो यहां से मैंने इथाइल शिफ्ट करा दिया और आपका कार्बोकैटायन यहां बन गया, ठीक है। अब देखो यहां पर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर आपका बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब यहां पर अगर आपका बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका बेंजीन रिंग और यहां पर आपका कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा बच्चों, यहां पर आपका इथाइल ग्रुप और यहां पर आपका साइक्लोहेक्सेन। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप एक दो बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा समझते बच्चों एक एक करके ध्यान से। क्वेश्चन नंबर टू हो गया, क्वेश्चन नंबर थ्री समझते और देखो क्वेश्चन नंबर थ्री आपका क्या बोलता है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, देखते क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थ्री आपका यह है बच्चों, OH यहाँ पर आपका इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड बनाया हुआ है, यहाँ पर CH2 यहाँ पर NO2। इसकी रिएक्शन मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ लिया है बच्चों, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन मैंने HNO2 के साथ लिया है और यहाँ पर मैंने H+ लिया है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा ABC। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, एल्कोहल को रिड्यूस नहीं करेगा, इसका सोल्यूशन समझते बच्चों। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका एल्कोहल को रिड्यूस नहीं करेगा, वो केवल और केवल आपके किसको रिड्यूस करेगा बच्चों, NO2 कंपाउंड को। तो NO2 कंपाउंड को वो आपके NH2 के फॉर्म में रिड्यूस करेगा। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका हम। तो यहाँ पर आपका किस तरीके से होगा बच्चों, यहाँ पर आपका CH2NH2। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, एक कंपाउंड आपका आ गया। अब देखो HNO2 आपको ध्यान होगा ये आपका डाई एजो कंपाउंड, डाई एजो सॉल्ट बनाने के लिए काम में आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से आपका हो जाएगा CH2N2+, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये एज अ लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकलेगा, ये एज अ आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, तो आपका कार्बोकैटायन कहाँ बन जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, आपका कार्बोकैटायन यहाँ बन जाएगा CH2+। अब देखो कार्बोकैटायन आपका अगर यहाँ बन गया तो ध्यान से समझेंगे, देखो ये वाला बॉन्ड नीचे जाएगा, ठीक है। ये वाला बोन्ड अगर आपका नीचे जाएगा तो यहाँ पर ये वाला बोन्ड आपका खुलेगा, तो यहाँ पर आपके 7 मेंबर रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 मेंबर आपके रिंग बनेगी, 7 मेंबर आपके रिंग बनेगी यहाँ पर, ठीक है।
ये आपका सेवन मेंबर रिंग बन गया, ठीक है, ये आपका सेवन मेंबर रिंग बन गया, ध्यान से समझेंगे बच्चों। और 1.1 2 3 4 5 6 7 और 1 पॉइंट पे क्या आ जाएगा बच्चों, कीटोन कंपाउंड, ठीक है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। इसमें कोई ज्यादा टिटफ नहीं है, देखो CH2+ है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये वाला ग्रुप भी आ सकता है इस तरफ, यहाँ से ये वाला ग्रुप भी इस तरफ आ सकता है, और ये वाला भी आ सकता है, क्योंकि दोनों सिमिलर पॉइंट है। क्योंकि दोनों कौन से पॉइंट है बच्चों, सिमिलर पॉइंट है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर अब हम बच्चों मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बच्चों, ये आपका इस तरीके से कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसकी रिएक्शन O3ZnH2O के साथ कराना है, ठीक है। नाउ इसकी रिएक्शन आगे मुझे किसके साथ कराना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और इसका H+ के साथ मुझे रिएक्शन कराना है हीट देके, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको ABC आपको पता लगाना है, कि ABC को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो किस तरीके से आप यहाँ पर ABC को आइडेंटिफाई करोगे बच्चों, देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। ओजोनोलाइसिस, आप लोगों को मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन में ओजोनोलाइसिस हम किस तरीके से करते हैं बच्चों। देखो ये आपका इस तरीके से कंपाउंड, ये मैंने यहाँ पर ओजोनोलाइसिस कर दिया। ओजोनोलाइसिस करने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका ऐसा कुछ बन जाएगा। अब इसका अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराऊंगा, तो कीटोन का मैंने आपको बताया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ किस तरीके से कराते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा O-Li+, नाउ फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हो गया। अब देखो एल्कोहल हो गया, अब एल्कोहल है, ये आपका विसिनल नहीं है, विसिनल होता तो पिनाकोल पिनाकोलोन, अब यहाँ पर आपका विसिनल नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका H+ क्या होगा बच्चों, ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, H+ आया तो यहाँ पर OH2+ बना, अब ये आपका बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर एलिमिनेशन करके कौन से प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है, अगर आप एक दो बार देखोगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका इस तरीके से, ये आपका ये इधर इधर, ध्यान से समझेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका OH, ये आपका CH3, यहाँ आपका CH3, यहाँ आपका OH, ठीक है, यहाँ आपका CH3, यहाँ आपका C2H5। आई होप सो कि आपको समझ में आएगा। अब इसकी रिएक्शन मुझे H+ के साथ हीट देके कराना है, तो आप जानते हो कि यहाँ पर आपका दो एल्कोहल विसिनल पोजीशन पे, मतलब ये आपका 100% क्या है बच्चों, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब हम देखेंगे कि पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट आपका कहाँ कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, तो यहाँ पर बल्कि नहीं से, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो यहाँ आपका कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। तो सॉल्यूशन समझते बच्चों अब हम इसका देखते हैं, तो कार्बोकेटायन आपका यहाँ स्टेबल होगा, बना के देखो बच्चों आप लोग, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका CH3, ये आपका C2H5, और यहाँ पर CH3, ठीक है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका OH, अब देखो यहाँ पर कार्बोकेटायन है, तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेते बच्चों, यहां से निकलेगा तो यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बोला कार्बोकेटायन, लेकिन इंडक्टिव की वजह से, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी हम हाइपर कंजुगेशन को देंगे, तो यहाँ पर अगर मैं कार्बोकेटायन बनाऊंगा तो यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन होगा, लेकिन यहाँ कार्बोकेटायन बनाऊंगा तो यहाँ पर आपका एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो विच वन इज मोर स्टेबल, तो आपका H+ कहाँ अटैक करेगा बच्चों, यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका CH3, ये आपका OH2+, ठीक है, ये आपका OH, ये आपका CH3, ये आपका यहाँ पर CH3, ये आपका यहाँ पर C2H5। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ये आपका बाहर निकलेगा, अब देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपका सेवन मेंबर रिंग के अंदर ही कार्बोकेटायन बना, आपका रिंग के अंदर ही जब भी आपका कार्बोकेटायन बनेगा तो इसका मतलब समझ लेना रिंग आपकी कॉन्ट्रैक्ट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपका कब होता है, जब रिंग के अंदर ही आपका कार्बोकेटायन बन रहा हो,
ध्यान से समझना बच्चों, रिंग के अंदर ही अगर आपका कार्बोकैटायन बन रहा हो तो यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब यहाँ रीअरेंजमेंट हम कहाँ से कराएंगे बच्चों? रीअरेंजमेंट इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। हमारे पास दो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो रीअरेंजमेंट अगर मैं इस पॉइंट से कराऊंगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, रीअरेंजमेंट मुझे इस पॉइंट से कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इसका तो रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, हम इसी का रीअरेंजमेंट कराएंगे। रीअरेंजमेंट कराएंगे मतलब रिंग आपका क्या होगा आगे बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट होगा। रिंग आगे क्या हो जाएगा बच्चों, रिंग में कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखो अगर मैं CH3 को वहां मूव करता, अगर मैं CH3 को आपका वहां मूव करता तो क्या होता, CH3 को मैंने यहाँ मूव किया और यहाँ पर ये आपका कीटोन बन जाता। लेकिन नहीं, जब भी हमको रिंग के अंदर अगर हमारा कार्बोकैटायन है तो रिंग को हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो देखो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। तो 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ये यहाँ चला जाएगा। तो 1 1 2 3 4 5 6, 6 बन गया। 6 के ऊपर कौन सा ग्रुप है बच्चों, मिथाइल ग्रुप है। अब देखो 6 1 के साथ आपका कौन बाहर आ जाएगा बच्चों, ये आपका ये वाला पॉइंट आपका यहाँ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा बच्चों, CH3 यहाँ पर आपका कीटोन, यहाँ पर टू, यहाँ पर ये आपका वन, टू पर आपका क्या है बच्चों, वन पर आपका और साथ में क्या है बच्चों, CH3 कंपाउंड, और यहाँ पर टू पर क्या हो जाएगा बच्चों, C2H5। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको रिंग को कॉन्ट्रैक्शन करना है। अगर आपको इसी क्वेश्चन को एक करना हो, इसी टाइप के क्वेश्चन को, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करके देखिए और मुझे इस क्वेश्चन का आपका इस क्वेश्चन का मुझे आप प्रोडक्ट बताइएगा। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आप लोग मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताइएंगे। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों, सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, सिमिलर क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये देखो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, ये आपका OH, ये आपका OH। ठीक है, यहाँ पर भी OH, ये आपका विसिनल डाईहोल है। अब इसका H+ के प्रेजेंस में आपको रिएक्शन कराना है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, सबसे पहले ये वाला यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पर रिएक्शन करा रहा हूँ। ये आपका यहाँ पर OH, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, OH2+। ठीक है, ये है आपका। अब इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से प्लस बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर OH, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आपका इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब आपका रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट हम क्या करेंगे, इस रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे आपका क्या है बच्चों, कार्बोकैटायन है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ और ये वाला आपको यहाँ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, एक आपके 5 मेंबर की रिंग बनेगी, ये मैंने आपके 5 मेंबर की रिंग बना दी। ठीक है, एक आपका क्या बनेगा बच्चों, 4 मेंबर का रिंग बनेगा, इसमें तो कोई आपका चेंजेस नहीं है। अब देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, अब देखो 4 और 5 आपका जुड़ा है तो 1 पे आपका क्या बनेगा, देखो 1 2 3 4 5, 1 और 5 आपका ऐसे ही है और 5 और 4 आपका जुड़ा हुआ है बच्चों, 5 और 4 आपका जुड़ा हुआ है, 1 और 5 आपका पहले से जुड़ा होता है, और 1 पॉइंट पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, कीटोन। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को सोल्व करना है। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप एक दो बार अगर आप ट्राई करोगे तो आपको ये क्वेश्चन काफी इजिली हो जाएंगे। आई होप सो कि आप लोग काफी इजिली समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब हम देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हम कैसे करेंगे बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन का सिमिलर है इसलिए मैंने इसको रब नहीं किया बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो ये मैंने इस तरीके से लिया है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका यहाँ पर OH, ठीक है, यहाँ पर आपका H और यहाँ पर आपका OH।
नाउ अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को मुझे एच प्लस के प्रेजेंस में हीट कराना है, तो सबसे पहले ये भी आपका क्या है, विसिनल डिडाइवोल है, तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका पिनाकोल पिनाकोलोन होगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, ओ एच टू प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। इस तरीके से आपका कंपाउंड बनेगा, यहां पर एच, यहां पर ओ एच, यहां पर सी एच थ्री। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपका लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलेगा, तो लिविंग ग्रुप की तरह मैंने इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, लिविंग ग्रुप की तरह मैंने इसको बाहर निकाल दिया, यहां पर आपका एच, यहां पर आपका ओ एच, ये आपका इस तरीके से यहां पर आपका क्या बना होगा बच्चों, कार्बोकैटायन। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है बच्चों, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होगा नेक्स्ट स्टेप में। जब नेक्स्ट स्टेप में आप, अगर आपका रीअरेंजमेंट होगा तो यहां से हाइड्राइड आपका रीअरेंज होगा, ठीक है, और यहां से जो ये वाला बॉन्ड यहां आएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, देख लेते हैं अब हम ध्यान से। अब देखो यहां पर बेंजीनिंग, यहां पर बेंजीनिंग, यहां पर आपका क्या बनेगा, सी एच थ्री, एच को लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और आपका ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को सोल्व करना है। काफी इजी कंसेप्ट है, अगर आप एक दो बार करोगे तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना और इस क्वेश्चन को होमवर्क में एक बार करना, और मुझे प्रोडक्ट बताना कि प्रोडक्ट आपका क्या बना है, प्रोडक्ट का मुझे आईयूपीएसी नेम बताना बच्चों, कौन सा नेम बताओगे, आईयूपीएसी नेम मुझे बताना बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे बच्चों, जैसे मैंने आपको एल्काइल हैलाइड में बताया था, मतलब ओ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बाय एल्कोहल, मैंने ऐसा बताया था, अब हम उसी को एक बार वो रिपीट कर लेंगे, देन आफ्टर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग खत्म करेंगे। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, सो थैंक यू सो मच।